उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 5,654 संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 197 मरीजों ने दम तोड़ा है। मृत मरीजों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई है। वहीं बात करें जिलों की तो देहरादून जिले में 1,423, हरिद्वार में 464, उद्धम सिंह नगर में 384, नैनीताल में 1,037, टिहरी में 405, पौड़ी में 482, रुद्रप्रयाग में 51, अल्मोड़ा में 339, उत्तरकाशी में 428, पिथौरागढ़ में 246, चमोली में 215, चंपावत में 42 और बागेश्वर जिले में 138 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कोविड केयर अस्पतालों में इलाज की सुविधा का सच जानने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शनिवार को गढ़वाल के दौरे पर हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को गोपेश्वर जिला अस्पताल और पीजी कॉलेज में कोरोना टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। शनिवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को मेडिसिन किट की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने, कोविड संक्रमितों को हर आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाने और कोविड संक्रमितों के बचाव में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले फ्रंटलाइन योद्धाओं को पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने देहरादून के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में 250 बेड के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर DCHC को मंजूरी दे दी है। इस कोविड अस्पताल का संचालन दून मेडिकल कॉलेज के माध्यम से किया जाएगा। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतें छिपाने के मामले में उत्तराखंड सरकार ने सख्त फैसला लिया है। अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CMS और चिकित्सक अधीक्षक MS के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शनिवार को सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कालेश्वर में बने कोविड सेंटर में नैनी गांव का एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक एक सप्ताह से बीमार था। पुलिस और SDRF की टीम ने कर्णप्रयाग में मृतक का अंतिम संस्कार किया। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने शनिवार को धारचूला विधानसभा के नाचनी, तेजम, क्विटी मुनस्यारी, CRC मुनस्यारी, मदकोट आदि स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफों, आशा वर्करों से मुलाकात की और हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया। साथ ही चुफाल ने तेजम भ्रमण के दौरान तेजम हॉस्पिटल में जल्द से जल्द नई बिल्डिंग स्वीकृति देने का आश्वासन भी दिया। कोरोना महामारी के बीच देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में देश के सभी नागरिकों को अपने सभी भेदभाव भूलकर एक टीम की तरह काम करना होगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग कोरोना से जरूर जीतेंगे। यह बात RSS प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमें सकारात्मक रहने के साथ सभी सावधानियां बरतनी होगी। कोरोना काल में पतंजलि की चिकित्सकीय सेवाओं को विस्तार देते हुए आचार्य बालकृष्ण ने रोगियों के उपचार के लिए स्वसारी कोरोनल किट जिलाधिकारी सी रविशंकर को सौंपी। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि इससे कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को कम करने में काफी मदद मिलेगी। तो यह थे आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए।